यार अभी मैं खड़ा हूँ एक ट्रक की बैक साइड पे जिसकी बैक साइड से पानी की फुहार निकलती है। आपने भी ये ट्रक देखा होगा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने ये ट्रक देखा होगा पानी की फुहार फेंकते हुए। तो ये पानी की फुहार क्यों फेंकता है सब कुछ बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आ जाओ मेरे साथ। तो हेलो नमस्ते और प्यार भरी सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। सो हेलो, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो जनाब ये जो ट्रक आप देख रहे हैं ना, ये एक पोल्यूशन कंट्रोल हेल्पिंग डिवाइस है जो कि आजकल आपको दिल्ली की सड़कों पर ऐसे काफ़ी सारे ट्रक देखने को मिल जाएंगे। और ये बैक साइड पे है मिस्ट गन जिसमें से पानी की फुहार निकलती है। तो इस ट्रक पर लिखा है कि स्विच ऑफ द इंजन व्हेन ट्रैफिक सिग्नल इज रेड फॉर मोर देन 20 सेकंड। यानी अगर 20 सेकंड से ज़्यादा आपको रेड लाइट पे खड़ा होना पड़ रहा है तो आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें। और कुछ इस तरीके से इस ट्रक में पानी भरा जाता है। आप देख सकते हो एक ट्रक आया अभी खाली होके, वो यहाँ आके वाटर टैंक पे आके फिलिंग के लिए दोबारा से आ गया। अभी आप देखना सामने इसमें कैसे वाटर फिल किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इन ट्रकों में पानी भरा जाता है जो कि एक बार खाली होके आ जाते हैं तो दोबारा से इनमें को ऐसे रिफिल किया जाता है। फ्रिजरेटर कैसे रोड पर निकल जाते हैं कुछ इस तरह की पानी की फुहार, या यूं कहें कि स्प्रे गन की तरह पानी स्प्रे करते हुए धीरे धीरे चलते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और ऐसे काफ़ी सारे ट्रक चलाए जा रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। बेसिकली इन ट्रक को चलाने का मकसद है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना या कम करना। ये ट्रक कैसे धीरे धीरे चलते हुए पानी स्प्रे करते हैं जिससे एयर में मौजूद डस्ट और डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं और एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट और PWD दोनों मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। क्या इस तरह के ट्रक से वाकई एयर पोल्यूशन कम करने में मदद मिलती है या ये कितना कारगर है? आपने भी अगर ऐसा ट्रक देखा है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपका क्या कहना है इस बारे में। तो कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा पोल्यूशन कंट्रोल करने में इस ट्रक से, क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन लेवल इतना हाई हो जाता है कि सांस लेने में भी मुश्किल होती है। लेकिन ज़रूर इससे कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा, बाकी पता नहीं पड़ा या नहीं पड़ा। लेकिन जो भी है, दिल्ली में इस बार पोल्यूशन का लेवल उतना ख़राब नहीं हुआ जितना बेसिकली हर साल होता है। और कुछ एरिया में या यूं कहें कि कुछ रोड्स पर ऐसे ट्रक चलते हैं जिसमें से फ्रंट से, राइट से, लेफ्ट साइड से और पीछे से सब तरफ से, चारों तरफ से पानी की फुहार निकलती है। तो यार आज की वीडियो बस इतने ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ को बनाने में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई लोकेशन के। तब तक के लिए की वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।